प्यारे छात्रों, प्रिय भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। 11th की बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी क्लासिफिकेशन देखा, वर्गीकरण, और उसके अंतर्गत ये बड़ी यूनिट है क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण की बात हम लोग यहाँ करेंगे। और उसके अनुसार किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम जगत बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक को हम लोगों को देखना है। फर्स्ट किंगडम मोनेरा देखेंगे, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत आप जानते हैं कि कैरेक्टर पहले बताए थे, एक बार पुनः जान लें, ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया किंगडम मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं तो इनकी कोशिका भित्ति जान रहे हैं कि सेलुलोज की बनी नहीं है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट अगर है तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी है। इनमें अगर देखा जाए केंद्रक न्यूक्लियस पूर्ण बेल डेवलप नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस आर अब्सेंट, ओनली इंसिपिएंट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म आर अब्सेंट। ये सब अब्सेंट है, केवल किस क्या है, डीएनए का बना हुआ उसका क्रोमोसोम है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं उपस्थित है, नहीं है, केवल डीएनए का बना हुआ होता है जिसको न्यूक्लियॉइड बोल देते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो फ्लैजिला और सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में होंगे, चलने के लिए, गति करने के लिए, उनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती, अरेंजमेंट 0+2 की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें मियासिस सेल डिवीजन नहीं होता, मल्ली माइटोसिस सेल डिवीजन और अमाइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये विभाजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन नहीं होता, केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम सब बात करते हैं, आनुवंशिक पुनर्योजन की बात करते हैं। तो ये ढेर सारे फीचर्स जो है इसके हम लोगों ने कैरेक्टर देखे थे और इनके बारे में जानकारी आपको दी गई थी। अब यहाँ पर किंगडम मोनेरा में अगर देखा जाए, जहाँ पर हम लोगों को इसकी स्टडी करनी है, तो किंगडम मोनेरा में 2 मेजर ग्रुप हैं। एक है मेजर ग्रुप दो है। पहला है किंगडम मोनेरा की बात हो रही है, ध्यान देना, इसमें 2 मेजर ग्रुप आ जाएंगे। पहला मेजर ग्रुप हो जाएगा आर्किबैक्टीरिया का, ARCHAE आर्किबैक्टीरिया, एक मेजर ग्रुप इसका होगा आर्किबैक्टीरिया का, और दूसरा मेजर ग्रुप होगा यू बैक्टीरिया का। आर्किबैक्टीरिया का मतलब हुआ एशियंट बैक्टीरिया, पुरातन, ANCIENT बैक्टीरिया, पुरातन, बहुत पुराने, इनको लिविंग फॉसिल भी बोल देते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया, दूसरा मेजर ग्रुप होगा यू बैक्टीरिया, यू माने ट्रू, सत्य, वास्तविक जीवाणु, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, यार यू ट्रू बैक्टीरिया वास्तविक जीवाणु कहलाएंगे। ये भी 2 मेजर ग्रुप हुए, एक मेजर ग्रुप हुआ मेजर ग्रुप 1 आर्किबैक्टीरिया एंड मेजर ग्रुप 2 दूसरा नंबर है, ये पहला है मेजर ग्रुप है, ये ऊपर लिखते तो ठीक था, मेजर ग्रुप, ये 2 मेजर ग्रुप, पहला है आपका जो है आर्किबैक्टीरिया, दूसरा मेजर ग्रुप यू बैक्टीरिया।
इनको ध्यान रखना। अब ये यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, इसमें दो बने दो भागों में यू बैक्टीरिया को बांट सकते हैं आप, इसको भी दो ग्रुपों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो साइनोबैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा और भी इंक्लूड किए गए हैं बाद में जो वर्गीकरण किए गए हैं, एक्टिनोमाइसिटस, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग किसको, आर्किबैक्टीरिया को। आर्किबैक्टीरिया जिसको एंशियंट बैक्टीरिया यानी पुरातन जीवाणु यानी ये सबसे पहले ये माना गया है कि ये लिविंग फॉसिल हैं, जीवन की उत्पत्ति से इनका आर्किबैक्टीरिया का संबंध जुड़ा हुआ है, यही सबसे पहले बने थे। वायरस के बाद की बात की जाती है तो साइनोबैक्टीरिया और आपके आर्के बैक्टीरिया ये प्रेजेंट माने जाते हैं उस समय, सबसे पहले ये थे आर्के बैक्टीरिया, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, जीवित जीवाश्म के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये सबसे कह लीजिए कि पुरातन जीवाणुओं में से हैं, और आर्किबैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं बता दिया गया। आर्किबैक्टीरिया ये असाधारण परिस्थिति के जीव हैं, असाधारण परिस्थिति से मतलब है ये ऐसे स्थान पर उपस्थित प्रजेक्ट होते हैं जहां दूसरे जीव उपस्थित नहीं रह सकते। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे और कह लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में उपस्थित रह सकते हैं, और ये कह लीजिए खौलते हुए पानी में यानी उपस्थित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि नमक के उच्च सांद्रता वाले जल में उपस्थित हो सकते हैं, साथ ही ये बहुत ही कह लीजिए टेम्परेचर और जहाँ पर कह लीजिए कि एसिडिक नेचर होगा वहाँ पर भी उपस्थित हो सकते हैं। हर वातावरण में उपस्थित होने के कारण इन्हें असाधारण परिस्थिति का जीव कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि आर्किबैक्टीरिया को असाधारण परिस्थिति का जीव क्यों कहा जाता है, तो ये रीजन है जिसके कारण इसको कहते हैं। और इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आर्किबैक्टीरिया को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा मैथनोजेंस, पहला होगा ध्यान रखेंगे मैथनोजेंस, दूसरा होगा हैलोफिल्स, हैलोफिल्स यानी लवण प्रिय, हैलोफिल्स की हिंदी होगी लवण प्रिय। मैथनोजेंस को मैथनोजेंस ही कहेंगे, मार्स माने मेथेन, मेथेन की जहां पर कह लीजिए कि अधिकता होगी दलदल वाले बायोगैस प्लांट वगैरह स्टमक में, रूमिनेंट स्टमक में, वहां अभी चर्चा करते हैं। हैलोफिल्स माने लवण प्रिय। और तीसरा होगा ध्यान रखेंगे तीसरा थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो माने क्या होगा ताप, एसिडोफिल एसिड माने होता है अम्ल, थर्मो एसिडोफिल ताप एवं अम्ल प्रिय होंगे। कैसे होंगे ताप एवं अम्ल प्रिय। तीन भागों में विभाजित किया गया, पहला है मेथनोजेंस ध्यान रखेंगे,
मेथोरोजेंस के बारे में जाने, कैसे जीवाणु है, आर्किबैक्टीरिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो कह लीजिए कि फ्यूमेरिक एसिड है उसको, उससे जो है मेथेन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से और फ्यूमेरिक एसिड से ये जीवाणु CO2 एंड फ्यूमेरिक एसिड इससे क्या बनाते हैं, इनसे बनाते हैं CH4, मेथेन का निर्माण करते हैं। मेथेन गैस भी करती है कुल मिलाकर के। तो ये कहाँ पर उपस्थित होंगे, ये कुल मिलाकर के कह लीजिए कि दलदल वाला स्थान होगा, मार्स दलदल वाले स्थान में पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जा सकते हैं, इसके अलावा ये बायोगैस प्लांट में पाए जाएंगे, बायोगैस प्लांट वहां भी उपस्थित होंगे, मेथेन की मात्रा हो। और इसके अलावा कहाँ पाए जा सकते हैं, ये पशुओं के जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, जिनके आमाशय को रूमिनेंट आमाशय बोलते हैं, रूमिनेंट स्टमक, जुगाली करने वाले जानवरों का आमाशय रूमिनेंट स्टमक कहलाता है, रूमांथी आमाशय वहां पर भी ये पाए जाते हैं। रूमनीकोकस बैक्टीरिया है, पाया जाता है उसके आमाशय। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये मेथनोजेंस जो है, ये CO2 और फ्यूमेरिक एसिड से को जो है कह लीजिए उससे मेथेन का निर्माण करते हैं, और ये दलदली जहाँ पर भूमि है उसमें पाए जाते हैं, और ये बायोगैस प्लांट में उपस्थित हो सकते हैं ये कहा, और इसके अलावा रूमिनेंट स्टमक में जो पशु है जुगाली करने वाले उनके आमाशय में भी उपस्थित होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ध्यान में रखना। दूसरे हैं इसके बाद में हाइलोफिल्स की अगर हम लोग बात करें, लवणप्रिय है तो स्वाभाविक है कि बता दिया गया कि ये नमक के उच्च सांद्रता वाले जल में पाए जाते हैं। ये नमक के उच्च सांद्रता वाले जल में, हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सैलाइन वाटर यानी साल्टी कह लीजिए कि वाटर, जो नमक का सांद्रता वाला काफी जो उच्च सांद्रता, नमक के उच्च सांद्रता वाले जल में, ऐसा कर सकते हैं कि ये नमक के उच्च सांद्रता वाले जल में ऐसे स्थानों पर ये उपस्थित होंगे जहां पर बहुत ज्यादा कह लीजिए कि सांद्रता होगी नमक की ऐसे पानी में, इसीलिए तो ये लवण प्रिय है। हेलोफिल्स उच्च नमक सांद्रता वाले जल में उपस्थित होंगे। ये कभी कभी ध्यान रखेंगे कि सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में बैगनी रंग के पिगमेंट बनाते हैं, इनकी छिल्ली में बैगनी रंग का पिगमेंट बन जाता है, पर्पल कलर का, और लाइट की उपस्थिति में ये ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये काफी महत्वपूर्ण है कि ये सनलाइट प्रकाश की जो उपस्थिति होती है उसकी उपस्थिति में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैगनी रंग की झिल्ली बनाते हैं, पर्पल कलर मेम्ब्रेन, पर्पल कलर की मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसमें ध्यान रखिए पिगमेंट होता है पर्पल कलर का, और ये लाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में कह लीजिए कि ATP बना देता है। ATP ऊर्जा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी सहायता से इसका काम चलता है। ये काफी महत्वपूर्ण ये भी, इनको ध्यान रखना। और थर्मो एसिडोफिल्स, यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स यानी ताप अम्लप्रिय, ताप एवं अम्लप्रिय जो भी कहिए, टेम्परेचर से भी प्रेम है और ये एसिडिक नेचर जहाँ पर है वहां पर बहुत उपस्थित रहेंगे।
तो ये ताप अम्ल प्रिय है। ये सबसे ज्यादा मैंने पहले ही बताया था 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जीवित रह सकते, उससे ऊपर खौलता हुआ पानी 100 तक, और गंधक युक्त झरनों में, गंधक युक्त झरनों में, गंधक माने सल्फर, गंधक युक्त झरने जहां भी हैं झरनों में ये उपस्थित रहते हैं। गंधक युक्त झरनों में ये ध्यान रखेंगे पाए जाएंगे, उपस्थित रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे स्थान पर ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको थर्मो एसिडोफिल्स करते हैं। ये गंधक को खास तौर पर सल्फर को ये ऑक्सीकृत करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर को ध्यान रखना, सल्फर, सल्फर माने क्या होगा, सल्फर माने गंधक, सल्फर को ये बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ये ऑक्सीकृत कर देते हैं सल्फर को, गंधक, गंधक को, गंधक के अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण ये भी है, इनको याद रखना होगा। इनके सबसे पहले आपकी बैक्टीरिया के बारे में अगर पूछता है तो जानकारी आपको रहनी चाहिए। देखिए बहुत टाइम लग रहा है, NCERT की जो बुक है उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है, परिचयात्मक है, बट यहाँ पर जो है काफ़ी डिटेल आपको बताया जा रहा है ताकि आप पढ़ें, समझें और वो करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जीवाणु, ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत है, ध्यान देना, यू बैक्टीरिया वास्तविक जीवाणु की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो दीजा काजमोपोल्टर, ये सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित होते हैं जीवाणु, जानते हैं, और ये कह लीजिए कि हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ढेर सारी देखेंगे कि हमारे लिए यूजफुल प्रोसेस, दही बनाना, पनीर बनाना, पटसन वगैरह उद्योग में, एंटीबायोटिक तक प्राप्त करने में बहुत ढेर सारे यूजफुल हैं हमारे लिए, कृषि के क्षेत्र में बहुत उपयोगिता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इनसे नुकसान भी है, बैक्टीरिया जो है बहुत ढेर सारी बीमारी उत्पन्न करते हैं, रोग पैदा करते हैं हमारे पशुओं के ऊपर, हमारे ऊपर, और फसलों के ऊपर, पौधों के ऊपर, तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान भी पहुँचाते हैं। इसलिए ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारे लिए ये लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो बैक्टीरिया को अध्ययन करना है हमको। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंटीवान लिवेल हॉक से इसका जो है स्टार्ट होता है। एंटीवान लिवेल हॉक ये साइंटिस्ट है, एंटीनो वान वैसे रहता है, चाहे हम लोग एंटोनी कर सकते हैं, एंटोनी, एंटोनी वान लिवेन हॉक, साइंटिस्ट का पूरा नाम लिवेन हॉक, ये वैज्ञानिक है एंटोनी वान लिवेन हॉक, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाला ये साइंटिस्ट है एंटोनियल लिवेन हॉक। 1674 में, 1674 में सेल डिवीजन साइटोलॉजी आपको हमने पढ़ाया है, उस लेक्चर को देखें। रॉबर्ट हुक 1665 माइक्रोग्राफिया में जो है कोशिका के बारे में उल्लेख करते हैं, लेकिन वो कार्क के टुकड़े का देखते हैं, लेकिन जीवित कोशिका को जो देखने वाला साइंटिस्ट है वो है एंटीवान लिवेन हॉक। वो दौर था सूक्ष्मदर्शी बनाने का, जहाँ पर इन्होंने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा था, और स्कम टीथ दांत की मैल खुरचन को निकाल करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, और सूक्ष्म जीवों को देखा चलते हुए, दीजा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जीवाणु थे, इनको उन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा, एनिमल क्यूल्स,
एनिमल क्यूल्स का सबसे पहला साइंटिस्ट है। ये भादराब बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। जीवाणुओं की खोज का श्रेय इन्हीं से इन्हीं को जाता है, इन्होंने किया। फिर उसी समय आपको ध्यान होगा, उसके बाद लीनियस कैरोरस लीनियस ने भी वर्गीकरण किया था। तो लगभग ये पूर्व में ही तो अध्ययन कर डाले थे पूरे जीवों का, वर्गीकरण करने का इनका एक प्रयास था। द्वि जगत वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, द्वि नाम पद्धति भी इन्होंने ही दी थी। तो लीनियस यानी कैरोलस लीनियस 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 ने क्या किया, EUS LINES लीनियस, कैरोलस लीनियस पूरा नाम है, और नाम कार्ल वॉन लीने था, याद होगा। द्विनाम पद्धति के समय इन्होंने नाम अपना चेंज किया था। तो लीनियस ने 1758 में इनको जो है बैक्टीरिया को वर्मिस में क्लासिफाइड कर दिया था। वर्मिस क्रीमी एक अलग इनका वो बना दिया था, वर्म्स से वर्मिस में इनको रखा था। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट सीजी एहरेनबर्ग। सीजी एहरेन एहरेन सीजी एहरेन एहरेन AHREN एहरेन BERG बर्ग, ये साइंटिस्ट हैं एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया जो नाम मिला है इनके द्वारा 1828 में दिया गया। 1828 में इनको बैक्टीरिया नाम दिया, बैक्टीरिया का एहरेनबर्ग के द्वारा कुल मिलाकर के बैक्टीरिया नाम जो है दिया गया, यह भी काफी महत्वपूर्ण बात है। लुई पाश्चर ने इन पर काफी वो भी कार्य किए थे। लुई पाश्चर के द्वारा मुख्यतः पाश्चराइजेशन पाश्चरीकरण की बात की जाती है, सूक्ष्म जीवों पर काफी अध्ययन किया था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है हो सकता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है पूछ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है पूछ सकता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं बता दिया गया, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर लुईस पाश्चर ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लुई पाश्चर ने कह लीजिए सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज की थी। सूक्ष्म जीवों का रोल बताया था कि सूक्ष्म जीवों का कितना रोल है इसमें पाश्चरीकरण में, और इनके द्वारा बहुत ढेर सारी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं लाभदायक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आप जानते हैं कौन है, एंटीवाल लिवर हाक, जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी ये कोच को कहा जाता है, रॉबर्ट कोच ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान रखना कि
रॉबर्ट कोच का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने रोगों का जीवाणुओं से संबंध, जीवाणु का रोगों से क्या संबंध है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। तो रॉबर्ट कोच को कह सकते हो कि काफी महत्वपूर्ण इनका भी रोल है। इन्होंने कॉलरा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणुओं का मुख्य रूप से अध्ययन किया था और रोग और जीवाणु के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। तो काफी महत्वपूर्ण रोल इनका भी है, इसलिए इनको सबको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे जीवाणु के बारे में, इनकी शेप और साइज की हम बात कर लें, उनकी बात फौलादी के अंतर्गत आकार आकृति कैसी है जीवाणु की, शेप एंड साइज की बात कर। तो जीवाणु के शेप के बारे में बहुत ही सूक्ष्म है, जानते हैं। इनकी साइज की बात करेंगे, 0.2 माइक्रोन मीटर से ये तक इनका, कह लीजिए ये हम डायमीटर की बात करें, इनका व्यास है इस तरीके से, ये इनका डायमीटर व्यास हो जाएगा 0.2 माइक्रोन मीटर। और इनकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं जीवाणु कितने लंबे हैं, तो ये 5 से 8 माइक्रोन मीटर तक, 5 to 8 माइक्रोन मीटर तक ये लंबे हैं। इनकी लंबाई की हम बात कर लेते हैं, ये उनका डायमीटर यानी व्यास है, ये उनकी लंबाई लेंथ है, लंबाई है, ध्यान देना है आपको। और इसके अलावा जो जीवाणु बेगियोटा होता है वो 25 से 30 माइक्रोन मीटर तक लंबा हो सकता है। बेगियोटा ध्यान रखेंगे 25 माइक्रोन से लेकर के, और ये कितना हो सकता है 25 माइक्रोन मीटर से ये 30 माइक्रोन मीटर तक ये बेगियोटा की लंबाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, सबसे लंबा है बेगियोटा बैक्टीरिया, इसको भी याद रखना है, काफी लंबा होता है। अब इनके हम इनको क्लासिफाइड करेंगे इनके शेप के आधार पर, इनका वर्गीकरण देखेंगे। शेप कैसा है, तो साइज की हम लोग बात किए, शेप के आधार पर अगर देखें जीवाणु को तो ये कई प्रकार के होते हैं। शेप के आधार पर, आकार के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है कोकस, COCCUS, COCCUS, कोकस। कोकस का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, कोकस माने होता है गोलाकार, कैसा होता है गोलाकार, और ये 5 माइक्रॉन से 1.25 माइक्रॉन तक हो सकते हैं लंबाई इनकी, ध्यान रखेंगे 0.5 माइक्रॉन to 1.25 माइक्रॉन तक ये लंबे हो सकते हैं। और इनमें फ्लैजिला, ध्यान रखना, फ्लैजिला अनुपस्थित होगा, अब्सेंट, अनुपस्थित, अब्सेंट ऑफ फ्लैजिला। तो और ये कई प्रकार के हैं, ध्यान रखेंगे, इनमें भी इनके कई प्रकार हैं, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सार्सिना। यहाँ पर एक अगर पहले कर ले टेट्राकोकस तो ज्यादा ठीक है,
तीसरा टेट्रा कोटस करें। टेट्रा माने चार, COCCU या टेट्रा कोकस। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर इसके बाद में स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना। स्टेफाइलोकोकस और लास्ट क्या करेंगे, सार्सिना। तो ये प्रकार है, देखिए कैसे समझेंगे इसको। पहली बात तो बैक्टीरिया पहले बता दिया गया कि जो कोकस होते हैं ये 0.5 माइक्रॉन से 1.25 माइक्रॉन तक कह लीजिए कि ये लंबे होते हैं। इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो इनमें माइक्रोकोकस, कोकस का मतलब होता है गोलाकार। जब ये अकेले इस तरीके से रहेंगे तो ये होगा माइक्रोकोकस, ऐसा जीवाणु। डिप्लोकोकस का मतलब जब ये दो की संख्या में होंगे, एक और ये दो, दो हो गए गोलाकार ही, ये कहलाएगा डिप्लोकोकस। दूसरे नंबर का डायग्राम, तीसरा आपका टेट्राकोकस। टेट्रा माने होता है चार। जब ये चार के समूह में उपस्थित होंगे, तो ये कहलाएंगे टेट्राकोकस। ये तीसरे नंबर के लिए डायग्राम। और फिर उसके बाद में होता है टेट्राकोकस के बाद में स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो माने होता है छड़ी जैसी रचना, यानी इस तरीके से ये एक से एक जुड़ते चले जाएं और ये लंबी चेन जैसी रचना बनाएंगे, गोलाकार जीवाणु ही रहेंगे। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कौन सा नंबर, चौथा नंबर। और पांचवा नंबर स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जब ये बहुत ढेर सारे गोलाकार जो हैं और इनकी संख्या यहाँ कोई निश्चित नहीं है और ये अनियमित आकार से लगे हुए हैं, कोई आकार भी निश्चित नहीं है, ये जुड़े हुए हैं बहुत ढेर सारे गोलाकार जीवाणुओं का समूह, ये कहलाता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कहेंगे इसको। और सार्सिना में घनाकार होंगे, घनाकार एक पैकेट बनाएंगे इस तरीके से, इसमें लगे हैं समूह में हैं वो, घनाकार पैकेज बना हुआ है ऐसा, जिनमें जीवाणु कोशिकाओं की संख्या हो सकती है 32 से 64 तक, और ये कहलाएंगे सार्सिना। तो इस तरीके से इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके शेप के आधार पर। दूसरा प्रकार होता है पाला हुआ कोकस। दूसरा प्रकार होता है इसका बैसिलस। दूसरा बैसिलस माने होता है छड़ाकार, बैसिलाई, BACILLI, बैसिली माने इसका मतलब होता है रॉड शेप्ड, छड़ाकार, छड़ के आकार के जीवाणु छड़ाकार। और ये जो छड़ाकार जीवाणु बैसिलस होते हैं ये मुख्य रूप से इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, इनके उसमें फ्लैजिला जिसे गति करेंगे फ्लैजिला उपस्थित होगा, उसकी सहायता से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और ये भी कई प्रकार के हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो बैसिलस BACILLI, बैसिलस, वही मोनोबैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होगा, मोनोबैसिलस। इस तरीके के जीवाणु एक छड़ाकार रचना के रूप में ये मोनोबैसिलस है, या बैसिलस कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस दो की संख्या होगी, डिप्लोबैसिलाई BACILLI, डिप्लोबैसिलाई या डिप्लोबैसिलस कह सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दो की संख्या में होंगे, ऐसे एक ये जुड़ गया तो एक इससे आगे ये जुड़ गया, ये दो जीवाणु यहाँ पर जुड़े हैं, ये डिप्लोबैसिलस होगा। तीसरा स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो
बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलाई या बैसिलस बैसिलाई तो ज़्यादा अच्छी बात है बहुवचन में, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, यहाँ पर ये जीवाणु ध्यान रखेंगे छड़ाकार, छड़ के आकार की रचना ऐसी, जैसे एक जीवाणु ये हुआ छड़ाकार, दूसरा छड़ी बना लेंगे, एक ये जुड़ा, तीसरा ये जुड़ा, ये चौथा जुड़ा, इस तरीके से ये जुड़ते चले जा रहे हैं ऐसा, ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। और स्ट्रेप्टोबैसिलस के बाद में ध्यान रखेंगे इसमें होता है एक और पैलीसेट, चौथा पैलीसेट, पैलीसेट 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 का मतलब होता है कि जब ध्यान रखेंगे ये चेन में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उपस्थित हो जाए, एक ये हुआ पैकेज के रूप में, दूसरा इसी के उसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुए ऐसे सेप, सेप रहेगा उनका राड सेप ही, छड़ के आकार के ही, ये कहलाएंगे पैलीसेट। इसको भी याद रखना है, ये बैसिलस हो गए। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे, ध्यान रखेंगे इनका स्पाइरल, SPIRAL, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरल का मतलब होता है क्या, सर्पिलाकार, और ये स्प्रिंग सेप्ड होंगे कुल मिलाकर, फिर देखा जाए तो स्प्रिंग सेप, स्प्रिंग सेप, स्प्रिंग के आकार के होंगे ये जीवाणु जो होते हैं, ध्यान रखेंगे। और इनके दोनों सिरों पर फ्लैजिलम पाया जाएगा, दोनों सिरों पर फ्लैजिलम उपस्थित होगा, ये इधर भी फ्लैजिलम, इधर भी फ्लैजिलम, ये कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल। इसी तरीके से वाइब्रियो, वाइब्रियो यानी क्वामा से, क्वामा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे वाइब्रियो कामा के आकार के होंगे, कामा सेप्ट होंगे, और इनके एक सिरे पर क्यों फ्लैजिलम पाया जाता है, विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं क्वामा सेप्ट, वाइब्रियो कॉलरी ऐसा, ये कॉलरा डिजीज काज करते हैं, कॉलरा रोग उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट CHATES, स्पाइरोकीट, ये स्पाइरोकीट जो होते हैं ये भी सिर्फ पिलाकार ही होते हैं, लेकिन इनकी कोशिका जो होती है लचीली होती है, इस तरीके से ऐसे स्पाइरोकीट हैं। राइजोबियम एग्जांपल में आ जाएगा, राइजोबियम, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद एक छोटा सा और इसमें टॉपिक लेंगे, छोटा सा सेप हो गया, इसकी मोटेलिटी की बात हमको गतिशीलता की करेंगे, मोटेलिटी गतिशीलता, प्रचलन भी करते हैं आप जानते हैं जीवा, तो ये उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है, ए ट्राइकस, एट्राइकस माने जो गतिशील नहीं हो गए, एट्राइकस, दूसरा ध्यान रखेंगे एट्राइकस के बाद में मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, चौथा एम्फीट्राइकस,
और पांचवा पेरिट्राइकस। एट्राइकस ऐसे जीवाणु कह लीजिए जिनमें ट्राइकस का मतलब यहां पर है उसके फ्लैजिला से जो लोकोमोटरी ऑर्गन है तो उससे अभिप्राय है। एट्राइकस जहां पर कि फ्लैजिलम अनुपस्थित है, ये जीवाणु हो गया और इसमें फ्लैजिलम नहीं पाया जा रहा है, ये अचल होगा जीवाणु, ये चलेगा नहीं, तो ये एट्राइकस कहलाएगा, अचल होंगे नॉन मोटाइल और इनमें फ्लैजिलम अब्सेंट होगा। मोनोट्राइकस का मतलब हुआ कि ऐसे जीवाणु जो होंगे, ध्यान रखेंगे, उनके एक सिरे पर एक ही फ्लैजिलम इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये कहलाएंगे मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होगा कि ऐसे जीवाणु होंगे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर फ्लैजिलम का टफ्ट गुच्छा पाया जाएगा, बहुत ढेर सारे फ्लैजिलम पाए जाएंगे बट एक सिरे पर पाए जाएंगे। और एम्फीट्राइकस में दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या दिखा दे रहे हैं, एक ये कि इनके सिरों पर, दोनों सिरों पर फ्लैजिलम यहाँ भी पाया जा रहा है और इधर भी पाया जा रहा है, दोनों सिरों पर पाया जा रहा है, चाहे एक एक फ्लैजिलम पाया जाए या इसके अलावा ये कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे फ्लैजिलम पाए जा रहे हैं और इस साइड में भी बहुत ढेर सारे फ्लैजिलम, तो ये दोनों ही कंडीशन एम्फीट्राइकस की कंडीशन कहलाएंगी। और पेरिट्राइकस का मतलब ऐसे जीवाणु जिनके पूरे संपूर्ण शरीर के सरफेस पर चारों तरफ कह लीजिए कि फ्लैजिलम उपस्थित हों, ये कहलाते हैं पेरिट्राइकस। इस तरीके के जीवाणुओं को बोलते हैं पेरिट्राइकस। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटेलिटी तक, गतिशीलता तक जीवाणुओं को आपको देखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको जो है कह लीजिए कि सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके प्रस्तुत कर सकें। और आज का यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगले नेक्स्ट वीडियो में जीवाणु की संरचना से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।